मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली वे सभी कहानियाँ जिनको सुने बिना आपका कार्तिक मास का पूजा पाठ, जप तप, हवन, दीपदान सब अधूरा है। कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली इन कहानियों का हमने एक ही वीडियो बनाया है ताकि आपको अलग अलग कहानियों के वीडियो ढूंढने की परेशानी ना हो। तो चलिए सुनते हैं इल्ली घुड़िये की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़ियो थो। इल्ली बोली, आओ घुड़िया कार्तिक नावा। तो घुड़ियो कहो, तू ही ना, तू गिरी छुआरा में पड़े है जो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ सो मेरे में ताकत कोनी। हरिया हरिया भुट्टा खाऊंगा, पालरो पालरो पानी पीऊंगा। पीछे इल्ली तो रोजीना राजकुमारी के पल्ले लाग के कार्तिक नहाली, गुड़ियो कोनी नहायो। कार्तिक की पुण्यों के दिन दोनों जना मरगा। इल्ली कार्तिक नहाई जी के से राजा के घर में लड़की होकर जन्म लियो और गुड़ियो राजा के घर में मीणको होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होकर जान लागी तो बेल रोक लिया। राजा पूछो कि बेल क्यों रोक लिया, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली, ई मीणका ने सोना की साकल से बांध कर मेरा रथ के बांध देवो। राजा बोलियो कि भाई धन द्रव्य मांग ले, यो के मांगियो। बाई बोली कि मैंने तो मीणको ही चाहिए। मीणका ने रथ के पीछे बांध दिया, मीणको फुदक फुदक कर चलियो गयो। बाई सासरा के महला में जान लागी जद मीणका ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़िया चढ़ती उतरती मीणको कहतो, रिमको झिमको ए श्याम सुंदरीये, बाई थोड़ो पानी डोप्या। जना इल्ली जवाब देती, पानी डी प्या मकवती रे, तू सुन थोरे दाई महारा धनिया कार्तिक डोन्या। एक दिन बाई की दौरानी जिठानिया सुन ली और राजा ने जाकर लगा दियो कि तू रानी ब्या कर लायो है कि जादूगरनी। मीनखा से तो सही बात करे है या तो जानवरा से भी करे है। राजा कहो कि मैं आंखें देखी बात मानूंगा, काना सुनी कोनी मानू। दूसरे दिन राजा छिपके बैठ गो। रानी महला से नीचे उतरी जद मीणको फेर बैया ही बोलियो और रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेके खड़े हो गयो, बोलियो कि तू ई मीणका से के बात करी है, जिसी बात बता नहीं तो तने मारूंगा। रानी कहो, लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे है। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, है जिसी बात बता। जद रानी बोली कि अगले जन्म में मैं तो इल्ली थी, यो घुड़ियो थो। मैं तो कार्तिक नाही जी के फल से रानी हुई, यो नहायो कोनी जी के से मीणको होयो। मैं तो पिछली बतलावन करा हा। या बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नहाय को इतो फल है तो अब की आपा जोड़ा से नहावंगा और बहुत दान पुण्य कराऊंगा। दोनों जना कार्तिक नहान लाग्या, राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसे इल्ली ने दियो विसो सब ने दियो, जिसो घुड़ियों ने दियो विसो कोई ने मत दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। पीपल पथवारी की कहानी। एक गोजरी थी जी की अपनी बहू ने कहो कि दूध दही बेचिया। वह बेचने गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पथवारी सींचे थी। उन्होंने सींचता देखकर पूछी कि ये के करो हो। लुगाया बोली कि मैं पीपल पथवारी सींचा हा, इससे अंधन होवे, 12 बरस को बिछड़ोड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली, इसी बात है तो थे तो पानी से सींचो हो, मैं दूध से सींचूंगी। गोजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचने देती। वह रोजीना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचाती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीनों पूरो हो जासी जद ल्या देसियूं। कार्तिक को महीनों पूरो हो गो। पुण्यों के दिन बहू पीपल पथवारी के धरने पड़गी। वह पूछी कि तू मेरे धरने क्यों पड़ी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगे है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे कन्ने किसा दाम रख्या है, ए भाटा डिंडा पान पतूरा है जी का ले जा। बहू वही ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सोगी। गोजरी बोली, बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रख्या है। सास ओबरी खोलकर देखे तो हीरा मोती जगमगा रिया है, धन का कूड़ा हो रिया है। सासू बहू ने हेलो मारियो कि बहू इतो धन खटे से लियाई। बहू आकर देखे तो साचा ही धन भरियो पड़ो है। बहू सास ने सारी बात बता दी। सासू कहो कि अब की कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो, सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गिर जाती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगिया करे है के, पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी दाम लियाओ तो वह पीपल पथवारी के धरने जाकर पड़गी। पीपल पथवारी सासू ने भी भाटा डिंडा पान पतूरा दे दिया। वह ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो कीड़ा मकोड़ा कल बलावे है।
जद बहु हेलो मारो, ए सासू जी यो के है। सासू आकर देखी और बोलने लागी, पीपल पथवाड़ी तो दोपड़ पीटी है, जी को तने तो धन दियो और मने कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लाग्या कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, थे धन का भूखा सींचा। हे पथवारी माता, जिसो बहू ने दियो भी सो सब ने दियो, सासू ने दियो उसो कोई ने भी मत दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक का महीना में सब कोई तुलसा माता सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती, जी की तुलसा माता ने रोजीना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़लो सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैखुंडा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई को राज दे, दाल भात को जीमन दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण को कांद दे। इतनी बात सुन सुनकर तुलसा माता सूकन पड़गी। भगवान जी पूछा कि थारे कने तो इतनी लुगाया आवा है, थाने जिमावे गावे तो भी थे सूकन कहिया पड़गा। तुलसा माता कहो, एक बुढ़िया माई आवे है, जी की रोजीना इतनी बात कहके जावे, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण को कांधो कठे से देऊंगी। भगवान जी बोलिया, थे तो बुढ़िया माई ने कह दियो, वह मरेगी तो मैं आप ही कांधो दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मरगी, सब कोई उन्होंने उठान ला गया, पर वह इतनी भारी होगी कि उठी कोनी। सब कोई कहन ला गया, पाप घाट की माला फेरती, जी कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़े ब्राह्मण को भेष धर कर आया, सबने पूछन ला गया कि इतनी भीड़ कहिया हो रही है। सब बोलिया, एक बुढ़िया माई थी मरगी, पापड़ी थी सो कोई के पास कोनी उठे। जब भगवान कहो कि इके कान में मने एक बात कहने दो तो या उठ जासी। सब कोई कहया कि तू भी मन की काढ़ ले। भगवान जाकर कान में कहो, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंडा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई को राज ले, दाल भात को जीमन ले, कृष्ण को कांद ले। इतनी सुनता ही बुढ़िया माई हल्की होगी, भगवान कांधा पे ले गया उकी मुक्ति होगी। हे तुलसा माई, वाकी मुक्ति करी जिसी सबकी करिए, महारी भी करिए, वाने कांदो दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी तो एक तपसी तो, तपसी तो भगवान की तपस्या कर तो। लपसी रोजिना सवा शेर की लपसी बनाकर, भगवान के भोग लगाकर, टाली हलाकर जीम ले तो। एक दिन दोनों जना लड़ने लाग्या, लपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आया और पूछने लाग्या कि क्यों लड़ो हो। जद लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो कि मैं बड़ो, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ हूँ, और लपसी बोलो कि मैं भी रोजिना भगवान के भोग लगाऊँ हूँ। नारद जी बोलिया कि थारो फैसलो मैं करूँगा। दूसरे दिन दोनों जना नहान आन लाग्या, तो नारद जी 25 करोड़ को मुंदड़ो दोनों के आगे गेर दियो। तो तपसी भी ने चुपचाप उठा लियो और घोड़ा के नीचे दबाकर तपस्या करने लाग्यो। उधर लपसी 25 शेर की लपसी बनाकर, भगवान का भोग लगाकर, टाली हलाकर जीम लियो। इतना में नारद जी आया और दोनों ने बैठाया। दोनों जना पूछने लाग्या कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने बोलिया कि तेरो घोड़ो उठा। घोड़ो उठाते ही मुंदड़ो निकलियो। जब नारद जी बोलिया कि मुंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, सो लपसी बड़ो है। तपसी कहन लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल कहिया मिलेगो। नारद जी बोलिया, तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहान वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी, तो कार्तिक को फल तने हो जासी। आंगी देकर तनो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिना कानी नाड़ो भांसी, सबको फल तने हो जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया। नारद जी जया तपसी की तपस्या भंग करी, वैसी कोई की मत करियो। कहता ने सुनता ने हुकार भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करियो। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहना एक साहूकार के खेत में से जावे थी। जमुना ने 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन, या तो चोरी होगी, अब तेरे तो श्राप लागेगो। जमुना बोली कि अब यो कहिया उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगो। जमुना साहूकार के गई, बोली मने नौकरी राख लियो।
चार काम छोड़कर मैं थारो सारो काम कर देसी। एक तो जूठा बर्तन कोनी धोऊं, झाड़ू कोनी काढ़ूं, सेज कोनी बिछाऊं और दियो कोनी चासूं। साहूकार उन्हें नौकरी राख ली। 12 बरस बाद कुमको मेलो आयो। साहूकार साहूकारनी मेला में जान लाग्या तो जमना उन्होंने एक सोना को टक्को दियो और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है जी को यो टक्को दे दियो। कह दियो कि तेरी बहन जमना भेजी है। जदबा हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया पहनिया ले लेवेगी। बे लोग बटे जाकर सोना को टक्को देन लाग्या तो गंगा हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन जमना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा होगा सो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आगा। जमना ने बोलिया कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा होगा सो तू पाछी आ जा। या सुनता ही जमना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी ने जद बेरो पड़ियो कि जमना माता मारो सारो काम करती तो मुंदा माथा पड़गा और सोचने लाग्या कि अब मारो श्राप कहीं उतरेगो। उठी ने जमना गंगा कने चली गई। गंगा पूछे कि तू साहूकार साहूकारनी ने धीरज बंधाकर आई कि नहीं। जमना बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी कहो। गंगा बोली उन्होंने धीरज बंधा कर आ नहीं तो उन्होंने संतोष कहीं होगो। जमुना दोनों के सपना में आई बोली कि वह मुंदा माथा क्यों पड़ा हो। बे बोलिया कि मैं थारे से ऊंचा नीचा सब काम करा लिया अब मारो श्राप कहीं उतरसी। जमुना बोली कि थारो कोई श्राप कोनी लाग्यो मैं तो मेरो श्राप उतारने आई थी। थारा खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था जी को दोष उतारने खातिर थारे 12 बरस को काम करो थे। उठो थारो कोई दोष कोनी थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता जिसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी ने दी उसी सबने दिए। हे जमुना माता माने भी दिए महारा सारा परिवार ने दिए। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार की रक्षा करिए। जाटका भाटका की कहानी। एक जाटको थो एक भाटको थो। जाटको चालो सास रे भाटको चालो बहन के। रास्ता में कुआ की पाल पे दोनों जना बैठा। जाटको बोलो कि आए भाईला आपा नगर बसेरो करा। भाटको बोलो कि मैं तो मेरी बहन ने लेने जाऊं हूं जी को लेकर आ जाऊंगा। तू तेरा सासर जावे है लाड़ चाव कराने में देरी हो जासी सो तू ही कर। जाटको कुआ की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना हाथ में लेकर नगर बसेरो करने लाग्यो और बोलो नगर बसेरो सह करे सह नर्धोवे पाव। ताता मांडा तापसी देसी मारी माए माए ने देसी माव सी देसी द्वारका नाथ। भाटको तो आपकी बहन के चलो गयो थो जाटको आपके सासर चलो गयो। जाटका के सासर में सब कोई बहुत खूब लाड़ चाव करया। भाटको आपकी बहन के गयो तो जाता ही उके मकान में आग लाग गई। आग बुझाता बुझाता राख उठाता उठाता उकी टाट गंजी होगी। संध्या ने दोनों जना ओजू कुआ की पाल पर मिलिया। जाटको पूछो कि भाईला के खबर है। भाटको बोलो कि मेरे तो जाता ही बहन के मकान में आग लाग गई टाट भी गंजी होगी और कुछ खाने भी कोनी मिलो। जाटको बोलो कि मैं तो पहले ही बोलो थो कि नगर बसेरो कर ले। भाटको बोलो कि भाई तेरे नगर बसेरो में इतनो गुण है तो अब कर लेवा। दोनों जना हाथ में घंटी और चावल का दाना हाथ में लेकर नगर बसेरो कर लियो। भाटको जो बहन के गयो बहन की पड़ोसन बोली कि तेरे भाई ने आया 2 दिन होगा रोटी पानी कोनी खायो। यदि तेरे पास कोनी तो मेरे से उधार ले ले। बहन पड़ोसन करने से लाकर भाई ने जिमायो। अठी भाटको आपकी बहन ने लेकर चालो बठी ने जाटको आपकी लुगाई ने लेकर चालो। दोनों जना ओजू कुआ की पाल पर मिलिया। जाटको ओजू बोलो कि आए भाईला नगर बसेरा करा। भाटको बोलो कि मेरे तो माँ है जी का मन डीकती होसी जाता ही दही चूरमो खाने मिल जासी। तू ही नगर बसेरो कर तेरे तो मावसी है तने रोटी घालेगी कि नहीं। जाटको नगर बसेरो करके घरा गयो। जाता ही मावसी बहुत लाड़ चाव करया। अठी ने भाटको घरा गयो तो उकी भैंस खोगी। बापू उन्हें खूब मारने लाग्यो। बोलो कि बहन के गयो तो आग लगा दी अठी ने आयो तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर लिया जद रोटी पानी खाने मिलसी। सारो दिन होगो ढूंढता ढूंढता पर भैंस कोनी मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिला। जद जाटको पूछो कि भाईला के खबर है। भाटको बोलियो कि आता ही मेरे बाप की भैंस खोगी पूरे दिन से ढूंढू हूँ रोटिया को कोई ठिकानो ही कोनी। जाटको बोलियो कि मैं तो तने पहले ही बोलियो थो कि नगर बसेरो कर ले। भाटको बोलियो कि नगर बसेरो में इतना गुण है तो अब कर लेवा। दोनों जना नगर बसेरो कर लिया। आने लाग्या तो रास्ता में भैंस मिल गई लेकर घर आ गयो। माँ बोली छोरा ने आता ही काट दियो सारो दिन होगो भूखा मरता। पीछे उन्हें खूब अच्छी तरह जिमायो।
बे लोग सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासर आता जाता नगर बसेरा जरूर करिए। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार की रक्षा करिए। पंच भिकू की कहानी। एक साहूकार के बेटा की बहू थी जी की बहुत सुधिया उठकर कार्तिक के महीना में रोजीना गंगा जी नहान जाती। बाप पराये पुरुष को मुंह कोनी देखती। एक राजा थो जी को वो भी रोजीना गंगा जी नहान जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुधिया नहाने आऊं हूं तो भी मेरे से पहले कुंड नहा लेवे। 5 दिन कार्तिक का रहेगा। वो दिन साहूकार की बहू नहा के जावे थी, राजा आवे थो। खुड़ को सुनकर बा जल्दी जल्दी जाव लागी तो ऊकी माला मोछड़ी छूट गई। राजा आयो, माला मोछड़ी ने देखकर सोचो कि यह माला मोछड़ी इतनी सुंदर है तो इन्हें पैरन वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हेलो फिरा दियो कि जी की माला मोछड़ी है जी की मेरे कने 5 दिन आवेगी, जद मैं बी की माला मोछड़ी पाछे देऊंगा। साहूकार का बेटा की बहू खुआ दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर कोई ने साख भरण खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी पे बिछावन करके एक सुवा को पिंजरों टांग कर बैठ गयो। उठी न वह आई, पहली पेड़ी पग धरियो, जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडू, छठो नारायण, भीषम राजा, भी पापी ने नींद आ जाइए, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखिए। राजा ने तो नींद आ गई, वह नहा धोकर जान लागी तो सुवा ने बोली कि सुवा सुवा सुवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीरा। सुवो बोलियो कि कोई बीर भी साख भरिया करे है के। जदवा बोली, सुवा सुवा सुवटा, पग घालूंगी देवर, साख भरिए मेरा देवर। सुवो कहो, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वा तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा के उठ्यो। सुवा ने पूछो कि सुवा सुवा वा आई थी के किसी एक थी। सुवो बोलो, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामड़ी, गुलाब कोसो रंग। राजा सोचो कि आज मैं मेरी आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा सो नींद कोनी आसी। दूसरे दिन आंगली चीर कर बैठ गो, वा आई, बया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आगी। नहा के जान लागी तो वे सुवा ने साख भरागी। राजा उठता ही ओजू सुवा ने पूछो तो सुवा काल की जया ही जवाब दे दियो। वो सोचो, आज तो आँखें में मिर्चा घाल के बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल के बैठ गो, वह बैया ही प्रार्थना करती आई और सुवा ने साख भराकर चली गई। राजा सोचो, काल कांटा का बिछावन करके बैठूंगा। उ दिन भी उन्हें नींद आ गई और वह पाछी चली गई। 5वें दिन राजा कहो कि आँच की अंगीठी पर बैठूंगा। वह उ दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई, बस सुवा ने साख भरागी और पापी ने कह दिए कि मेरा 5 दिन पूरा होगा है, अब मेरी माला मोचड़ी पाछे मंगाया है। थोड़े दिन बाद राजा के कोड़ निकल आयो, त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरे सारे शरीर में जलन कहीं लाग गई। ब्राह्मण बोलिया कि थे कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धरिया हो, जी कैसे लागी है। राजा पूछो कि अब कहीं ठीक होसी। ब्राह्मण बोलिया कि बिना थे धर्म की बहन बनाओ, उके नहाड़ा जल से नहाओ तो थारी जलन कोड़ मिट जासी। राजा माला मोछड़ी लेकर वही का घरा गयो और साहूकार ने बोलो, ये तेरी बहू गंगा जी पे भूल गई थी सो उन्हें दे दे और कह दे कि वह आपका नहाड़ा जल से मने नुहा देसी। साहूकार बोलो कि वह तो पराया पुरुष को मुंह कोनी देखे, तू ही नाली के नीचे बैठ जा, वह नहावे की जब तेरे पे पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे बैठ गो, नहाड़ा जल गिरने से उसकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिखू देवता, साहूकार की बहू को सत राखियो वे सो सबको राखियो। कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार को राखियो। 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बाछिया की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्था की, 68 संता की, 8 वारा की, भूला चौकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारा की, जाके कदयन दल दल आवे, दयन पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दल दल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे, हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला,
पांच पताशा गुड़ की डली, बिंदायक जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। हे आशा भगवती माता, जैसो पार्वती जी को सुहाग दियो वैसो माने भी दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा कर जो। हर मनोकामना पूरी कर जो, हर कहानी पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। बिंदायक जी की कहानी। एक छोटो सो छोरो आपके घरा से लड़कर निकल गो और बोलियो कि आज तो बिंदायक जी से मिलकर ही घरा पाछो जाऊंगा। छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चलियो गयो। बिंदायक जी सोचा, यो मेरे नाम से घर से निकलो है, सो इन्हें घरा पाछो नहीं भेजांगा तो बाग बगेरा खा जासी। बिंदायक जी बोलिया कि मैं ही बिंदायक जी हूँ, तने के चाहे सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगिए। छोरो बोलियो कि काई मांगू बापू जी, ढोलो हींगराज को, पूछो गजराज को, दाल भात गीवा का फलका, ऊपर ढपसो खांड को, परोसन वाली इसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। बिंदायक जी बोलिया कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, पर जा अइया ही हो जासी। छोरो घराने आयो तो देखे एक छोटी सी बीननी पीड़ा पर बैठी है और घर में बहुत धन हो रियो है। छोरो आपकी माँ ने बोलियो कि माँ देख, मैं बिंदायक जी से मांग के कितनो धन लायो हूँ। माँ खूब राजी होगी, हे बिंदायक जी महाराज, जिसो भी छोरा ने धन दियो विसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।